नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुलक के हिस्टोग्राम के बारे में बात कर ली थी। हिस्टोग्राम जो है वो सबसे ज्यादा यूज में लेने वाला फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ है। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में और फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम जो जिस जिस नाम से जानते हैं वो जो है वो हमारा ज्यादातर अगर मैं इसको कहूं कि बहुत सारे लोग इसको बारंबारता बहुलक के रूप में जानते हैं। और उसके पीछे मेन रीजन ये है कि इसका हिंदी नाम जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से अलग है। हिस्टोग्राम को हम हिंदी में भी हिस्टोग्राम के नाम से ही जानते हैं। तो यहां तक की बात हम कर चुके थे हिस्टोग्राम की। अब हम बात करते हैं हमारी बारंबारता बहुलक या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है स्क्रीन शेयर एक बार हम कर लें फ्रीक्वेंसी ग्राफ के बारे में और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है बेटा वो एक्चुअली हिस्टोग्राम के थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस कैसे है कि हिस्टोग्राम पहले तो हम हिस्टोग्राम बनाते हैं जो हमने पिछले अपने उसके अंदर बनाया। हिस्टोग्राम बनाने के बाद में हम वो जो बार्स हमने बनाए थे इस तरह से बार्स बनाए थे उन सारे बार्स का मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये इस तरह से मिड पॉइंट लेकर के उन सारों को ज्वाइन करते हैं। मान लीजिए एक बार हमने ऐसे बनाया दूसरा बार हमारा इसके साथ ऐसे बनाता तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब हमारे पास दो मिड पॉइंट आ गए। एक मिड पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से दूसरे मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ऐसे हमारे पास में अगर तीसरा बार जो है वो इस साइज का है इसका भी हम मिड पॉइंट ले लेंगे और फिर हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एक लाइन हम बना रहे हैं वो लाइन क्या बनती है? वो लाइन बनती है बेटा हिस्टोग्राम के साथ में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को दिखाते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड जो है वो तो ये कि पहले हम हिस्टोग्राम बनाएंगे और हिस्टोग्राम बना के उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज नोन एज अवर फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो होता है अनदर मेथड क्या है? अनदर मेथड में हम क्या करते हैं कि जो क्लास थी क्लास इंटरवेल थे उन सारे क्लास इंटरवेल्स का मिड पॉइंट्स हम ले लेते हैं पहले से। यानी कि हमारी टेबल के अंदर ही हम मिड पॉइंट्स को लिखेंगे और फिर हम उसको प्रेजेंट कर देंगे एक एक लाइन ग्राफ के थ्रू। तो पहले हम एक जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसका हम एग्जांपल लेते हैं फिर हम सेकंड मेथड के एग्जांपल पर आते हैं। तो फर्स्ट मेथड अगर हम लेते हैं तो आप देखिए ये हिस्टोग्राम जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और इसकी प्रोसेस क्या है? वही कि वेट्स हमने एक्स एक्सिस पर वेट्स ले लिए और वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी को ले लिया जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हिस्टोग्राम हमारे सामने आ जाता है। अब करना क्या है? करना ये बेटा कि इसके यहाँ से 30 से 35 वाले का मिड पॉइंट लेना है, 35 से 40 का मिड पॉइंट लेना है, 40 से 45 का मिड पॉइंट लेना है, 45 से 50 का मिड पॉइंट लेना है। हर एक का मिड पॉइंट लेते हुए हमें निशान लगा देना है। ठीक है, और साथ में हमें क्या करना है? एक्सट्रीम पॉइंट्स लेना है एक्स के ऊपर, एक्स के एक्सट्रीम पॉइंट जो हमारा 0 और 70 यही था। अब हम क्या करेंगे, इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को मिलाते हुए अंदर के ये जितने भी बीच के पॉइंट हैं सबको मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखें किस तरह से ड्रॉ होती है वो। ये हमने क्या किया, पहले दो पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हम इस दूसरे को इस तीसरे से मिला देंगे, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवें से, पांचवें नेक्स्ट इस तरह से हम और फिर लास्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो फाइनल एक्सट्रीम्स पर आ गए। ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ। क्या किया हमने? हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम बनाने के बाद में मिड पॉइंट्स लिए, मिड पॉइंट्स लेकर के हमने उसको आगे की ओर हम बढ़ा गए। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू शो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड मेथड की ओर। सेकेंड मेथड के लिए हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें क्या है कि यहाँ पर हमने बताया कि प्रॉफिट ऐसी कंपनियां जिनका प्रॉफिट 0 से 15 के बीच में है वो कंपनियां है 3।
ऐसी कंपनियां जिनका प्रॉफिट 15 से 30 के बीच है वो है 7, 30 से 45 प्रॉफिट वाली 18 कंपनियां, 40 से 45 प्रॉफिट वाली 25 कंपनियां, और इस तरह से जैसे हम आगे बढ़ेंगे 120 से 135 प्रॉफिट वाली 2 कंपनियां हैं। ठीक है, ये कंपनीज का डेटा हमने लिया, यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा है ये, और इसमें हमने देख लिया कि हजारों में ये तीन बिंदु का मतलब होता है, हजारों में हम इनके प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, अगर इतना प्रॉफिट है तो कितनी कितनी कंपनी है। तो एक्स वैल्यू क्या हो गई, वही आप देखें कि ये कंटिन्यूस डेटा है यानी क्लास इंटरवल में है, तो ये हमारा साफ साफ पता चल गया कि ये हमारा हो गया एक्स वैल्यू, और ये जो नीचे वाली हो गई ये हमारा हो गया एफ वैल्यू। तो एक्स और एफ हमारा क्लियर हो गया। हमें क्या करना होगा, हमें लेना है मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट लेना है हमें क्लासेस का। पहली क्लास है हमारी 0 से 15, इसका मिड पॉइंट कितना होगा यानी इसका हाफ, 0 से 15 मतलब 15 का हुआ 7.5, 15 से 30 का मतलब हमारा कितना है, वापिस 15 आ गया, यानी 15 में हम 7.5 ऐड करेंगे, 30 में 7.5 ऐड करेंगे, 45 में 7.5 ऐड करेंगे, और इस तरह से हमारे पास में एक नई टेबल आ जाएगी जिसमें मिड पॉइंट्स हमने यहाँ पे सारे के सारे लिख दिए हैं। ये देखो आप सारे मिड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन सारे मिड पॉइंट्स को अब जो हमारी एक्स वैल्यू है वो ये हो गई मिड पॉइंट्स। ठीक है, और एफ वैल्यू वैसी की वैसी है, एफ वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, वही सेम हमने ऐसा कैसा 3, 7, 18 सब ऐसा कैसा उतार लिया। तो अब जो जो जिसके आधार पे हम लाइन ग्राफ बनाएंगे वो डेटा है ये वाला मिड पॉइंट्स का। क्लियर हो गया कैसे बनाते हैं, सेम जैसे ग्राफ के ऊपर हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये हमारा डेटा था, ये वाला डेटा था, हमने क्या किया कि सबसे पहले लोवेस्ट पॉइंट देखा, लोवेस्ट पॉइंट जो हमारा है वो 7.5 का गैप, यहाँ 7.5 है, उसके बाद में 22 आ गया, तो ये जो गैप है ये हमारे पास में 15 का गैप है। तो हम क्या कर रहे हैं, और ये जो मिड पॉइंट जो ले रहे हैं वो हमारे 7.5 से शुरू होकर 127 तक जा रहा है, यानी हमें 127 से ऊपर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, 20-20 का गैप देते हुए हम 140 तक पहुंच गए, ताकि 7.5 भी उसमें कवर हो जाए और 127 भी कवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 2 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 25 है, यानी हमें 2 से नीचे से स्टार्ट करना है और 25 के ऊपर तक जाना है। तो 5-5 का गैप रखा, क्योंकि हमें हमारे ग्राफ का साइज और जो हमारा जितनी क्वांटिटी हमें शो करनी है उसको ध्यान में रखते हुए ये डिफरेंस लेना होता है। तो हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, 5-5 के गैप के अंदर हम इसको 30 तक ले गए, क्योंकि 25 से एक ऊपर 5 के बाद में 30 ही आता है, राइट। उसके बाद हम निशान लगाते गए कि 7.5, 10 यहाँ पर आता है बेटा, तो 7.5 इसके इधर आएगा, 7.5 पर कितना था हमारा 3, तो 3 इधर है और 7.5 इधर है, तो इस तरह से ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट आ गया इस पर हमने एक डॉट लगा दिया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए, हमने सारे डॉट्स लगाए, उनको हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। ध्यान रखना बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन में स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गए। जो जो हिस्टोग्राम वाला मेथड यानी जो फर्स्ट मेथड है उसमें हमने क्या किया, पहले हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, हिस्टोग्राम के बीच के मिड पॉइंट्स बनाए और फिर हमने वहां पे स्ट्रेट लाइन बना दी। दूसरे मेथड में हमने क्या किया, जो हमें टेबल मिली है उस टेबल के अंदर ही हम क्लास इंटरवल्स के बीच के पॉइंट लेकर के एक मिड पॉइंट की अलग से हमारा रॉ या कॉलम जो भी है वो तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लाइन ग्राफ जो है वो डाल देते हैं। तो दोनों मेथड में आंसर हमारा ऑलमोस्ट सेम आता है, ऑलमोस्ट क्या मतलब सेम ही आता है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें आपको हिस्टोग्राम्स दिखाई नहीं देंगे, तो उसके अंदर आपको टेबल के अंदर मिड पॉइंट्स दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो आज की हमारी इस क्लास में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में बात कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी अगर हम इसकी बात करें, कर्व की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है उसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, वही मिड पॉइंट्स वगैरह हम लेंगे, वही हम पॉइंट्स लगाएंगे, लेकिन इस बार हम फ्री हैंड यानी स्मूथ कर्व से बात करेंगे। इस बार हम जैसे पहले इस तरह से मिला रहे थे, अब हम ऐसे नहीं मिलाएंगे, अब हम इस तरह से स्मूथ हैंड से मिलाएंगे, हमारे एंगल्स नहीं बनेंगे इसके अंदर। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, सेम चीज, प्रॉफिट मिड
ये वही वाला एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन बनाया था। इसमें हमने मिड पॉइंट्स लिए, मिड पॉइंट्स लेकर के फ्रीक्वेंसी लिख दी और फिर जो डायग्राम हमने बनाया, आप देखें कि डायग्राम जो है वो बहुत एकदम स्मूथ बना हुआ है, कोई भी एंगल जो है वो इसके अंदर नहीं है, जबकि वो जो था वो शार्प था, उसके अंदर सारे एंगल्स हमने यहाँ पर मेजर किए थे। तो ये आज के हमारे इस क्लास के अंदर, इस वीडियो क्लास में हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन और फ्रिक्वेंसी कर्व दोनों के बारे में जानकारी हासिल कर ली। आई होप कि ये तीनों चीजें एक्चुअली हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन और फ्रिक्वेंसी कर्व आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट जरूर लेंगे। ये जो 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 फ्रिक्वेंसी कर्व है, एक्चुअली आपके सिलेबस में तीन ही हैं, इसलिए मैं अपनी इस वीडियो क्लास के जरिए सिर्फ इन तीन को ही बताऊंगी। नेक्स्ट के अंदर हम जो लेंगे वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन मोड मीडियन, मतलब अब हम जो स्विच ओवर करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, वो हम करेंगे हमारे स्टेटिस्टिकल कैलकुलेटिव पार्ट की तरफ। आशा है आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू।